थंबनेल देखकर आपको तो पता चल ही गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं चार कोबराज और उनके फन यानी हुड पर लगे हुए मार्क के बारे में। और हम आपको आज ऐसी बातें बताएंगे जो आप पहली बार ही सुन रहे होंगे। इंडिया में लगभग चार कोबरा स्नेक स्पेसिस पाई जाती है, उनमें से सबसे पहला है इंडियन स्पेक्टेकल्ड कोबरा, ये इंडिया में लगभग हर जगह पाया जाता है। दूसरा है मोनोक्लेड कोबरा यानी चंद्रनाग, भारत में यही एक कोबरा है जो वेनम को स्पीड कर सकता है। तीसरा है कैस्पियन कोबरा और चौथा है अंडमान कोबरा। अब आप बोलेंगे भाई तूने किंग कोबरा का नाम तो लिया ही नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि किंग कोबरा कोबरा फैमिली का नहीं है। ऐसा क्यों? तो किंग कोबरा का स्पेशल वीडियो मैंने रिसेंटली बनाया हुआ है, वहाँ आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द अमेजिंग नेचर में, जहां हम आपको मिलाते हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही अनोखे जीवों से जिनके बारे में जानकर आपके सच में होश उड़ जाएंगे। अब बात करते हैं कोबराज के फन पर लगे निशान के बारे में। इन चारों कोबराज में से तीन के ऊपर ही निशान होते हैं, इनमें से कैस्पियन कोबरा के पास कोई भी निशान नहीं होता। कोबरा का मीनिंग होता है हुड यानी फन। गर्दन के पास कोबरा सांपों की स्किन थोड़ी लूज होती है, खतरा महसूस होने पर कोबरा उसी स्किन को फैलाकर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। जब कोबरा अपने फन को उठाता है उसी वक्त वो सिर्फ सामने की चीज़ों को यानी 180 डिग्री में ही देख पाता है। ऐसे में कोबराज के पीछे लगे हुए निशान किसी आँख और चेहरे जैसे लगते हैं, इसलिए उन पर कोई दूसरा जानवर पीछे से हमला करने की कोशिश नहीं करता है। है ना बड़े कमाल की बात। इन हुड मार्क की वजह से कोबरा का फन बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आपने कभी ऐसे कोबरा को स्टैंडिंग पोजीशन में देखा तो उसके आगे सर झुकाने मत जाना, क्योंकि कोबराज अपने सामने आने वाले और उसके स्टैंड की रेंज में आने वाले हर किसी चीज़ पर हमला करता है। अगर आप ऐसे किसी कोबरा के सामने सर झुकाते हैं तो वो आपको एक ही बार में प्रसाद दे देगा। ये सारे कोबराज एलिपीड फैमिली के होते हैं। एलिपीड का मतलब होता है दुनिया के ऐसे सांप जिनके फैंग्स यानी विष दंत पीछे की तरफ क्लोज नहीं होते, वो हमेशा ओपन ही रहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात जो कोबरा सांपों के बारे में फैलाई जाती है कि कोबरा सांप बदला लेता है, अपनी आँखों में मारने वाले की तस्वीर खींच लेता है। तो दोस्तों ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है, इसका असल जिंदगी में कोई भी समझ नहीं है। क्योंकि दुनिया के किसी भी सांप के मस्तिष्क में सेरिब्रल हेमिस्फीयर नामक घटक नहीं पाया जाता, जो कि किसी भी प्राणी की याद रखने की क्रिया को नियंत्रित करता है। और यही कारण है जिसकी वजह से हम सांपों को पाल नहीं सकते, क्योंकि वो अपना पराया कुछ भी नहीं समझ पाते। अगर आपके भी मन में सांपों से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको उसके जवाब ज़रूर देंगे। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। तो चलिए अब बात करते हैं इन चारों कोबराज की सीखने लायक और मज़ेदार जानकारी के बारे में। हमारी लिस्ट में सबसे पहला कोबरा है इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा, जिसे हम भारतीय नाग भी कहते हैं। इसके पीछे लगे हुए यू शेप की वजह से इसे बाइनोक्लेट कोबरा भी कहा जाता है। स्पेक्टेकल्ड कोबरा किसी अन्य सांपों की तरह ज़्यादा आक्रामक नहीं होता, फिर भी इसके काटने से ज़्यादा लोगों की मौत होती है, क्योंकि भारत में यह लगभग सभी जगह पाया जाता है। ये दूसरे जहरीले सांप, चूहे, पक्षी या उनके अंडे भी खाता है, इसीलिए इसे ज़्यादातर इंसानी बस्तियों के पास ही देखा जाता है। एक भारतीय नाग के पास सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन नामक जहर होता है। वयस्क कोबरा की लंबाई 4 से 5 फीट तक हो सकती है, जबकि इनकी कुछ प्रजातियाँ जो श्रीलंका में पाई जाती है वो 7 से 8 फीट तक हो सकती है। हमारी लिस्ट में दूसरा कोबरा है मोनोक्लेड कोबरा यानी चंद्रनाग। इसे चंद्रनाग कहते हैं क्योंकि इनके हुड यानी फन के पीछे एक गोल यानी सर्कुलर चंद्र बना होता है। यह दिखने में ब्राउन, ग्रे और ब्लैक होते हैं। यह ज़्यादातर अपने हुड मार्क की वजह से जाने जाते हैं। इनके हुड पर बने मार्क का शेप ओ टाइप का होता है, जो कभी कभी ब्राउन, ब्लैकिश और वाइट होता है। शुरुआत में यह हल्के रंग के होते हैं और जैसे ही ये वॉइस होने लगते हैं इनका रंग गहरा होता जाता है। ये 4 से 4.5 फीट तक लंबे हो सकते हैं।
मोनोक्लेट कोबरा में पाए जाने वाले वेनम यानी जहर में पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिन नाम का मेजर कंपोनेंट पाया जाता है जो किसी भी स्वस्थ इंसान को पैरालाइज कर सकता है। भारत में पाए जाने वाली कोबरा प्रजाति में यही एक प्रजाति है जो जहर को स्पिट कर सकती है। जी नहीं, ये स्पिटिंग कोबरा नहीं है। मोनोक्लेट कोबरा जो जहर स्पिट करता है उसकी क्वांटिटी स्पिटिंग कोबरा से कम होती है। एक स्टडी के अनुसार मिमोसा पुडिका एक प्लांट है जो कि इसके वेनम को न्यूट्रलाइज करने में कारीगर साबित हुआ है। हमारी लिस्ट में अगला कोबरा है कैस्पियन कोबरा। इसे सेंट्रल एशियन कोबरा, ऑक्सस कोबरा और रशियन कोबरा भी कहा जाता है। ये मोस्टली सेंट्रल एशिया और इंडिया के अंदर हिमाचल और कश्मीर में ज़्यादा पाए जाते हैं। भारी शरीर वाला कैस्पियन कोबरा एवरेज साइज का होता है। इनकी लंबी सर्विकल लिम्ब के कारण हुड फैलने में अधिक सक्षम होता है और एवरेज लंबाई 4 से 5 फीट तक हो सकती है। इनका सर डिप्रेस और गर्दन थोड़ा अलग दिखती है। इनकी आंखों का साइज गोल और छोटा होता है और इनके हुड पर कोई भी मार्क नहीं होता। कैस्पियन कोबरा के वेनम की बात करें तो इनका वेनम बहुत ही तेज होता है। न्यूरोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन से भरपूर वेनम ये किसी भी शिकार या इंसान के शरीर में छोड़ देते हैं और एक ही बार में यह 75 से 125 mg तक वेनम छोड़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।